आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज, आप तक आपकी आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। बेमुदत एसटी हड़ताल शुरू, कर्मचारियों की मांग कि 2014 से लगे हुए कर्मचारियों का मासिक वेतन 17 से 18,000 लागू किया जाए। कर्मचारियों ने दी प्रशासन को चेतावनी, मांग पूरी न होने पर हड़ताल बेमुदत जारी रहेगी। कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री दिवाकर रावते पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवहन मंत्री खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी हड़ताल को गैर कानूनी बता रहे हैं, ऐसा कर्मचारियों ने कहा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ की ओर से मैं नेहा मिश्रा, आज हम यहाँ पे जो आए हैं वो इसलिए आए हैं कि एसटी महामंडल के जो कर्मचारी है इन्होंने बेमुदत हड़ताल का आंदोलन चालू किया है। यहाँ पे ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2014 से जो कर्मचारी एसटी महामंडल में लगे हैं उन लोगों को 10,000 सैलरी मिल रही थी अब तक, और उनकी उनकी मासिक वेतन में बढ़ोतरी करके सिर्फ 1,000 रुपये का वेतन बढ़ाया गया है, जिसमें उनकी मासिक वेतन 12,000 तक जा रही है। और कर्मचारियों की यह मांग है कि वो वेतन कम से कम 17 से 18,000 रुपये होनी चाहिए। आइए जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है इन सारी चीज़ों के लिए, और इनकी क्या मांग है, ये क्या चाह रहे हैं एस टी महामंडल के मंत्रियों से, परिवहन मंत्रियों से इनकी क्या मांग है ये जानते हैं। हाँ सर, बताइएगा। 16 में करार खत्म हुआ, 1/4/16 से नए डिमांड किए थे अपन ने। आपने डिमांड था कि 31/3 का जो बेसिक है उसमें 3,500 ग्रेड पे प्लस किया जाए, और उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करके जो भी बेसिक आता है उसके हिसाब से बढ़ोतरी दिए जाए। उसके हिसाब से आप लोगों को 7 पे के हिसाब से यानी उसके हिसाब में बराबर बैठ रहा है। जो आज एसटी 10 साल 20 साल 2000 से 18 तक लोगों को कर्मचारियों को वेतन कम मिल रहा है, उसके कारण आपने ये वेतन आयोग के धरती पर मांगे हैं। और उसमें हमने जो मांगे हैं संगठन कामगार संगठन ने जो डिमांड रखा था कि जो मूल बेसिक है 31/3/16 का उसमें 3,500 ग्रेड पे प्लस करके 2.57 से करने के बाद हर जो कम्युनिस्ट जो कर्मचारी है जो आज का भी लगा उसका भी 16-17 हज़ार तक या 18 हज़ार तक के पेमेंट जाता है, और इस और बाकी को भी पेमेंट बढ़ोतरी अच्छी होती है। उसके लिए सिर्फ 4,500 कोटी की डिमांड किए थे, और अभी रावते साहब ने 4,850 कोटी देने के बाद में भी लोगों को 1,000 से लेके 7-8 हज़ार तक की बढ़ोतरी हो रही है। जबकि रावते साहब ने जो अभी नए नए बैनर्स लगाए है डिवीजन ऑफिस के सामने, डेपो के सामने या बस स्टेशन में जो बैनर्स लगाए है उन्होंने दिए कि 4,600 से लेके 9,000 तक की बढ़ोतरी होती, ये कहीं नहीं बढ़ोतरी थी, सब लोगों को गुमराह करने का है। और अभी तो नया नया फंडा उन्होंने किए है कि तुम ड्यूटी पे जाओ नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। इसके लिए भी इसका कामगार तैयार है कि सस्पेंड करेंगे तो कम से कम उसका पगार मिलेगा, जो अभी नो वर्क नो वेजेस हो रहा है उसके कारण उसको पगार तो भी मिलेगा, उसके लिए भी सस्पेंड होने के लिए भी तैयार है लोग। पर अभी उनमें भी अभी घबराहट हो रही है, वहाँ के प्रशासकीय दड़बन डाल रहे हैं, फिर भी लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। पर रावत सर तो इस हड़ताल को ये गैर कानूनी बोल रहे हैं। वह बराबर है ना, उनका गैर कानूनी तरीके से काम चालू है, उनका पगार बढ़ाना छोड़ दिए, अपना वाईफाई दिए। आज वाईफाई में कितने लोगों को फायदा हो रहा है, हर एक के पास में जियो के, जो जियो ने निकाला तब से ने वाईफाई वाले का इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि कोई वाईफाई की तरफ ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि हर एक के पास 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये का जो पैक मारते हैं, पैक के कारण उनको खुद ही वो अपने मोबाइल से देख पाते हैं, उनके पास का जरूरत ही क्या है, क्योंकि जिसके पास स्मार्टफोन है वो तो खुद ही का नेट वापरते हैं, इसलिए वाईफाई का यूज ही नहीं है, और उस वाईफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। और रावत सर आपको किस तरह के ऑफर दे रहे हैं? रावत सर के तो कोई ऑफर ही नहीं दे रहे, ना कुछ बोलने को तैयार है। वो तो बोल रहे है कि तुमको मानने है क्या, मानने है तो ठीक है, नहीं मानने तो तुम भर के दो, जब कोर्ट में निजल लगेगा तब तुमको पेमेंट देने में आएंगे, नहीं तो तुम नौकरी छोड़ दो। और तुमको फिक्स पे हम लेते हैं, जैसे ड्राइवर को 20,000 है, कंडक्टर को 19,000 है, और साल का 2,200 रुपये सिर्फ बढ़ोतरी देंगे, 200 रुपये बढ़ोतरी। जब 20,000 जब दे रहे हैं प्राइवेट के फिक्स पे में, तो यहाँ के जो अभी करता काम कर रहे लोग है उनको 20,000 क्यों नहीं देते, क्यों वो 11-12 हज़ार पे रोक रहे हैं? आपकी क्या मांग है अभी परिवहन मंत्रियों से? हमारी मांग है कि 4,800 का 150 कोटी का जो उन्होंने डिक्लेयर किया है वो डिक्लेयर नहीं कर रहा, चाहे जो संगठन ने 4,500 कोटी है वो कोटी पर रिलीज करके जो संगठन ने जो फार्मूला दिया है, एसटी कामगार संगठन ने जो फार्मूला दिया है उस फार्मूला के करार करने में आए,
और उस जल्दी से जल्दी करार हुआ तो जल्दी जल्दी ये स्ट्राइक भी बंद हो जाएगा, लोग अपने काम भी करेंगे और जो पैसेंजर को जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफ भी सुधर बंद हो जाएगी जी। अगर नहीं होती है आपकी मांग पूरी तो आप क्या करेंगे? तो नहीं होती तो हम अपने अपने मांग के लिए मरते दम तक लड़ेंगे, बेमुद्दत उसके लिए संप करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी इस मांग के वजह से बाकी की जो जनता है आम जनता परेशान हो रही है? नहीं, आज तक तो हम अपने हमारे खुद के जो कर्मचारी के जो तकलीफ के सहते सहते इतने त्रस्त हो गए कि ये देखते हुए कि आम जनता को तो हम इतनी सुविधा देते आ रहे, फैसिलिटी देते आ रहे, इसलिए जनता भी हमारे साथ में है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, जनता पूरी जनता भी बोलती है कि एकजुट होकर पूरा बंद करो, कम से कम कब तक नहीं मानेगा। अभी वो रावते साहब इसलिए चिढ़ गए हैं कि पालघर में उनकी सेना की जो सीट है एमपी की वो गिर गई है, वैसे ही कम सभी तरफ की गिरना चाहिए, इसलिए तुम बेमुद्दत करो हम तुम्हारे साथ में। ऐसे पैसेंजर का बोलना है, पैसेंजर का सपोर्ट है हमारे पास। जो टकराएगा एकजुटी जा खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।